हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। इतनी सारी चाशनी बच जाती है, जैसे त्योहारों पर हम गुलाब जामुन, रसगुल्ले या जलेबी बनाए या फिर मालपुए बनाए, तो इसी तरह से मेरे पास भी आधा डिब्बा तकरीबन चाशनी बच गई है। तो मैंने सारी इकट्ठी की और इसे छान कर रख लिया डिब्बे में। तो आज हम बनाएंगे इससे गुलाब जामुन, और इसके लिए हम लेंगे बारीक सूजी। ये देखिए, मोटी सूजी थी लेकिन मैंने इसे मिक्सर जार में पीस लिया एक बार, तो बिल्कुल हमें बारीक सूजी चाहिए, पाउडर जैसी। अगर मोटी है तो उसे हम पीस सकते हैं, तो मैंने भी इसे पीस कर ही लिया है, आधा कटोरी है ये। अब एक लेंगे हम फ्राई पैन, तो जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हम दूध लेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर रखा दूध है, नॉर्मल गुनगुना, और नहीं है तो हम इसे गुनगुना कर लेंगे हल्का सा। और जैसे ही हल्का सा गर्म होता है, इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से गुलाब जामुन के अंदर इतना अच्छा टेस्ट आएगा। और इसी साथ हम डाल देंगे, इसी के साथ ही, जो हमने सूजी को पीस कर रखा है। और ये ध्यान रखना कि इस टाइम हमें, अगर गैस पर बना रहे हैं तो भी, और फ्रेश चीज पर बना रही हूँ मैं, तो आँच को बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हमें गैस को ऑन करना है। अब मैंने इसे ऑन कर लिया है और इसी के साथ इसे मिक्स करती रहूँगी, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े और ना ही ये नीचे लगे तले में। इसका हमें एक सॉफ्ट आटे की तरह सॉफ्ट डो लगाना है। ये देखिए, तो मैंने बिल्कुल आँच को धीमा कर रखा है, जब तक कि ये आपस में बंध नहीं जाए, इकट्ठा नहीं हो जाए आटे की तरह, तब तक हमें इसे पकाना है। और इसके बाद इसे डाल लेंगे एक प्लेट में, और आटे की तरह हल्के हाथ से हमें इसे गूंथना है, जैसे हम आटा लगाते हैं उसी हिसाब से। तो हाथ को हम कर लेंगे थोड़ा सा चिकना घी लगाकर, और सॉफ्ट हाथों से इसे इसी तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं है, मैंने इसे इतने अच्छे से मसल लिया है, आटे की तरह गूंथा है, इतना ही हमें सॉफ्ट ये इसका आटा चाहिए। तो बिल्कुल मावे जैसा लग रहा है, ये सूजी है लेकिन दिखाया ही ये बिल्कुल मावे जैसी रही है। तो इसका लगा लिया हमने आटा। अब इसमें से हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, जैसी हमें गुलाब जामुन चाहिए, साइज छोटा या बड़ा उसी हिसाब से। तो मैं ये छोटी छोटी, ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ना ही ज़्यादा बड़ी है, मीडियम साइज की ये बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। तो हमने आधी कटोरी सूजी ली थी, और दूध में फूलने के बाद ये देखिए आप कितनी सारी हमारी ये गुलाब जामुन बनेंगी इसमें से, क्योंकि सूजी फूल जाती है ना इसीलिए। और किशमिश डाल रही हूँ मैं हर गुलाब जामुन के बॉल्स के अंदर, और सारी बॉल्स हम इसी तरह से एक साइज की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली, कितनी सारी बॉल्स बन गई हमारी। अब जो हमारी चाशनी थी उसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि ठंडी चाशनी में हमें गुलाब जामुन को नहीं डालना है। तो गुलाब जामुन फ्राई करने से पहले हम चाशनी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो गर्म करने के बाद इसे रख देंगे साइड में, और अब हमने जो बॉल्स बनाकर तैयार की हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो पहले तो मैंने हाई फ्लेम पर इसे गर्म किया है, रिफाइंड ऑयल को, और उसके बाद मीडियम कर देंगे, क्योंकि ये अंदर तक अच्छे से सिकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। सारी बॉल्स मैंने डाल दी हैं, और चम्मच से मैं इनके ऊपर हल्का सा रिफाइंड ऑयल इस तरह से डालती रहूँगी, ताकि चारों साइड से ये पक जाएं, और अंदर तक भी अच्छे से सिकनी चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है। और गुलाब जामुन मावे की बनाओ, ब्रेड की बनाओ, या फिर सूजी से बनाओ, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए सारी बॉल्स कितनी अच्छी फ्राई हुई हैं, अंदर तक सिकी हैं, और अच्छा कलर भी आया है। अब इन्हें डाल देंगे जो हमने चाशनी हल्की सी गर्म कर रखी है उसमें। ये देखिए कितनी सारी गुलाब जामुन बनी है हमारी, थोड़ी सी सूजी से ही। ढककर रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, और अब इसके ऊपर डाल देंगे हम कटे हुए पिस्ता। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी जल्दी हमने फटाफट बनाकर तैयार कर लिए हैं गुलाब जामुन, और चाशनी का भी यूज हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक बार आप जरूर बनाकर देखिएगा।